अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और आज हम NVDA के अंदर जो बाकी हमारी सेटिंग्स रह गई थी उनको चेक करेंगे। मैं सबसे पहले इंसर्ट N से NVDA का मेन्यू ओपन कर रहा हूँ। NVDA मेन्यू, यहाँ पर डाउन एरो से प्रेफरेंसेस सब मेन्यू के ऊपर आते हैं। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू की, और यहाँ पर अब राइट एरो करके मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स S, NVDA सेटिंग्स, जनरल, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, डायलॉग, कैटेगरीज, लिस्ट, जनरल 1 to 14। ये कैटेगरीज हैं, यहाँ पर हम जनरल और स्पीच सेटिंग्स चेक कर चुके हैं। मैं यहाँ पर डाउन एरो से बाकी की कैटेगरीज चेक करता हूँ। स्पीच 2 of 14, ब्रेल 3 of 14, ब्रेल, इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। यहाँ से आगे मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। विजन 4 of 14, विजन, यहाँ पर हमें देखने से मुतल्लिक सारी सेटिंग्स और ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर टैप करके चेक करते हैं। विजन प्रॉपर्टी पेज कॉन्फ़िगर विजुअल एड्स, विजुअल हाइलाइट ग्रुपिंग इनेबल हाइलाइटिंग चेक बॉक्स नॉट चेक्ड अल्ट प्लस ई, स्क्रीन कर्टन ग्रुपिंग मेक स्क्रीन ब्लैक इमीडिएट इफेक्ट चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। ये स्क्रीन कर्टन है, यानी अगर हम इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो स्क्रीन जो है हमारी ब्लैक हो जाएगी और उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा किसी को भी कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बैटरी सेविंग के लिए भी अच्छी ऑप्शन होती है एक ब्लाइंड यूजर के लिए जिसको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और इसको यहाँ से भी हम ऑन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके लिए शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं जिसको हम आगे एक लेक्चर में देखेंगे जहाँ पे हम इनपुट जेस्चर्स को डिस्कस करेंगे जो NVDA के अंदर हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से आगे मैं टैप कर रहा हूँ। Play sound when toggling screen curtain checkbox checked alt plus P। ये प्ले साउंड्स की ऑप्शन है कि जब भी स्क्रीन कर्टन ऑन हो या ऑफ हो तो एक साउंड बजे। ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं चेक भी करा देता हूँ कि किस तरह का साउंड होता है ये। Make screen black, immediate effect, checkbox not checked, space checked। ये आपने साउंड सुना होगा, ये मैंने स्क्रीन कर्टन ऑन किया था एक साउंड बजा है और स्क्रीन इस वक्त ब्लैक हो चुकी है। दोबारा यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ। Space not checked। अब ये स्क्रीन कर्टन ऑफ हो गया और स्क्रीन दोबारा विजिबल हो गई है मेरे सामने। तो ये चेकबॉक्स चेक के ट्यून का, इसको मैं चेक के रहने दूंगा। यहाँ से आगे मूव करते हैं। ओके बटन, ओके बटन, विजन के अंदर यही सेटिंग थी। अब यहाँ से मैं टैप टैप करता हूँ, वापस कैटेगरीज की लिस्ट में आता हूँ। कैंसिल अप्लाई बट कैटेगरीज लिस्ट विजन 4 ऑफ 14। यहाँ से अब डाउन एरो करते हैं। कीबोर्ड 5 ऑफ 14, कीबोर्ड, कीबोर्ड कैटेगरी है, इसकी ऑप्शंस में जाते हैं, टैप प्रेस करता हूं। यहां से मैं कीबोर्ड प्रॉपर्टी पेज कीबोर्ड लेआउट कॉम्बो बॉक्स लैपटॉप कोलैप्स अल्ट प्लस के। ये कीबोर्ड लेआउट है, ये यहां पर लैपटॉप पर है, इसको आप चेंज करके डेस्कटॉप भी कर सकते हैं अप डाउन एरो से। डेस्कटॉप लैपटॉप, मैं इसको लैपटॉप पे रख रहा हूँ। आगे टैप करते हैं। सिलेक्ट NVDA मॉडिफायर कीज लिस्ट एप्स लॉक चेकबॉक्स चेक्ड। ये NVDA की मॉडिफायर कीज हैं, यानी जो हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करते हैं उसमें हम NVDA की मॉडिफायर की भी यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होती है, कैप्स लॉक को हमने क्विक सेटिंग्स में सेट कर लिया था, और इसके अलावा नमपैड इंसर्ट की भी ऑप्शन होती है। यहाँ पर हम इनको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को ऑन रखा हुआ है, मैं चेक करा देता हूँ। कैप्स लॉक चेक्ड है, नंबर इंसर्ट चेकबॉक्स चेक्ड, इंसर्ट चेकबॉक्स चेक्ड। अब यहाँ से आगे टाइप करते हैं। स्पीक टाइप कैरेक्टर्स चेकबॉक्स चेक्ड अल्ट प्लस सी। ये टाइप कैरेक्टर्स है, जैसे ही हम जो भी कैरेक्टर टाइप कर रहे थे वो उसको स्पीक करें, तो ये भी बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, इसको मैं चेक ही रहने दूंगा। आगे टाइप करते हैं। स्पीक टाइप वर्ड्स चेकबॉक्स नॉट चेक्ड अल्ट प्लस डब्ल्यू। ये टाइप वर्ड्स है, इनको कुछ लोग ऑन रखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हम एक वर्ड कंप्लीट करते हैं और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो पूरा वर्ड भी प्रोनाउंस करे। अब यहाँ से आगे टैप कर रहा हूँ मैं, और एक ऑप्शन चेक कराना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको, मैं टैप टैप करके वहाँ पहुँच जाता हूँ। Allow skim read if people type in lower speak command keys checkbox not checked alt plus O। Speak command keys checkbox, ये not check है। NVDA के पुराने versions में ये by default checked होती थी, यहाँ पे by default not check है। ये अगर चेक कर देंगे तो इसमें मसला ये होता है कि हम जो भी कोई कमांड दे रहे होते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो वो नेविगेट करते हुए फोकस तो वहाँ पे मूव करता है लेकिन साथ ही कीज़ भी अनाउंस करता है, जो बड़ा अनोइंग सा लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल क्रोम पे मेरा फोकस है, वहाँ से मैं डाउन एरो करता हूँ तो अगली आइटम पे मूव तो करेगा लेकिन साथ डाउन एरो भी बोलेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अब नॉट चेक है, अगर आपकी ये चेक होगी तो आप इसको नॉट चेक कर दें। अब यहाँ से आगे मैं टाइप कर रहा हूँ। Play sound for spelling errors while typing checkbox checked alt plus s। ये बाकी की options यहाँ पर by default ही ठीक है, मैं tap tap करके वापस categories की list में जा रहा हूँ। Handle keys from other application, okay button, cancel button, apply button, categories, list, keyboard 5 of 14। यहाँ से अब down arrow करते हैं। Mouse 6 of 14। Mouse, यहाँ पर mouse से related सारी options होंगी कि mouse को हम जहाँ जहाँ move करें तो वो उसको announce करें mouse cursor के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी, और फोकस भी वहाँ पर ले जाए। तो इन सेटिंग्स को यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर डाउन एरो करते हैं। रिव्यू कर्सर 7 of 14। रिव्यू कर्सर,
इसको हम बाद में एक लेक्चर में तफसील से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, डाउन एरो करते हैं यहाँ से। Input composition data 14. इसके अंदर हम कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसको भी यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे डाउन एरो करते हैं। Object presentation 9 of 14. Object presentation, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करता हूँ और इसकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। Object presentation property page report tooltips checkbox not checked out plus T. Report tooltips, ये by default not check है। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो जोन से भी डिस्क्रिप्शन खुलती है किसी भी चीज़ की पॉपअप में। जैसे हम थोड़ी देर किसी आइटम के ऊपर फोकस रखें तो उसकी डिस्क्रिप्शन एक पॉपअप की शक्ल में खुलती है, तो ये उसको पढ़ने के लिए यहाँ अलो कराने की ऑप्शन है। ये बाय डिफॉल्ट नॉट चेक है, मैं इसको नॉट चेक ही रहने दूंगा। आगे टैप करते हैं। रिपोर्ट नोटिफिकेशंस चेकबॉक्स चेक आउट प्लस एन। रिपोर्ट नोटिफिकेशंस, जो विंडो के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं क्या इनको ये पढ़े? जैसे मसलन हमारी जीमेल के नोटिफिकेशंस हैं और विंडो के अपने सिक्योरिटी के नोटिफिकेशंस या और भी कोई डिवाइस जब हम कोई इंसर्ट करते हैं बीच में तो जो नोटिफिकेशन आता है ये उसको रीड करे या ना करे, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन है। मैं इसको यहाँ पे चेक भी रहने दूंगा। आगे टैप करते हैं। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट शॉर्टकट कीज़ चेक बॉक्स चेक आउट प्लस के। ये ऑब्जेक्ट शॉर्टकट कीज़, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पे NVDA हर ऑप्शन के बाद एक शॉर्टकट की अनाउंस कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसने आर्ट प्लस के अनाउंस किया, मैं दोबारा सुनवाता हूँ। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट शॉर्टकट कीज़ चेक बॉक्स फोकस चेक आउट प्लस के। ये एंड पे जो आर्ट प्लस के, अब ये ऑप्शंस हर ऑप्शन के बाद एक शॉर्टकट की बोर्ड है यहाँ पर, और ये बाय डिफॉल्ट ऑन है ये ऑप्शन। मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये बहुत अनोइंग हो जाती है कभी कभार। स्पेस नॉट चेक्ड। आगे यहाँ से टैप करते हैं। Record object position information checkbox checked out plus P. ये object position information है कि वो कितने नंबर पे मौजूद है इस वक्त आइटम टोटल आइटम्स में से, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ऑन है। मैं इसको ऑन ही रहने दूंगा, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे टैप कर रहा हूँ मैं। Guess object position information when unavailable checkbox not checked out plus G. Record object descriptions checkbox checked out plus D. Progress bar output combo box deep collapsed out plus B. अब ये ऑप्शन प्रोग्रेस बार्स की है कि जो प्रोग्रेस बार्स होती हैं उनको वो किस तरह अनाउंस करे। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बीप सेट है, यहाँ पर अप डाउन एरो से बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं हम। स्पीक एंड बीप, स्पीक एंड बीप यानी बीप्स की भी आवाज आए और पर प्रोग्रेस बार अनाउंस भी करे। अप डाउन एरो करता हूँ। बीप स्पीक, और थर्ड ऑप्शन है स्पीक। प्रोग्रेस बार मतलब कि कितने परसेंट हुई है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम जब डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोग्रेस बार चल रही होती है। प्रोग्रेस बार को ये किस तरह अनाउंस करे, बीप्स की सूरत में स्पीक करे कि कितनी परसेंटेज है या फिर बीप्स भी दे और स्पीक भी करे, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर बीप्स पर है, मैं इसको स्पीक पे कर रहा हूँ। और ये ऑफ की ऑप्शन थी कि हम बिल्कुल ही प्रोग्रेस बार को ऑफ भी कर सकते हैं। मैं डाउन एरो से स्पीक कर रहा हूँ यहाँ पर। Speed. अब यहाँ से आगे टैप करते हैं। Record background progress bars checkbox not checked out plus R. ये background progress bars हैं, यानी हमने कोई चीज़ डाउनलोड पे लगाई है और उसको मिनिमाइज करके हमने कोई और विंडो खोल लिया, कोई और काम कर रहे हैं, तो पीछे जो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही है उसके भी वो प्रोग्रेस बार हमें अनाउंस करके बताए, तो बाय डिफॉल्ट नॉट चेक है, मैं इसको नॉट चेक ही रहने दूंगा। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे मैं टैप कर रहा हूँ। Record dynamic content changes checkbox checked out plus C. Play a sound when auto suggestions of your checkbox checked out plus a okay button. ये इसकी सेटिंग्स थी, जरूरी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से टैप टैप करते हुए मैं वापस कैटेगरीज की लिस्ट में आ रहा हूँ। Cancel but apply button alt plus categories list object presentation 9 of 14. यहाँ से अब डाउन एरो करते हैं। Browse mode 10 of 14. Browse mode, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ से आगे मैं टैप करके इसकी ऑप्शंस चेक करवाता हूँ। Browse mode property page maximum number of characters on one line at alt plus m selected 100. Browse mode के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं हमें ये वेबसाइट्स के ऊपर जो हम ब्राउजिंग करते हैं उससे रिलेटेड मिलती हैं। अगर टैप करते हैं। Use screen layout when supported checkbox check alt plus s. Screen layout ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसका मतलब यह कि जब भी हम एक वेब पेज ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो लेआउट में जो भी चीज़ जैसे भी आ रही होगी उसको वैसे ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक वेब पेज ओपन करके ये ऑप्शन चेक कराता हूँ। फोल्डर व्यू लिस्ट ऑप्स स्टूडियो फायरफॉक्स अननोन मोज़िला फायरफॉक्स बिजी नेविगेशन टूल बार कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड एम एक्स डॉट फेफ ए सी ई पुट बी ओ ओ के डॉट सी ओ एम कोलैप्स्ड सिलेक्शन रिमूव्ड न्यू टैब बिजी बटन कस्टमाइज़ योर न्यू टैब पेज लिंक स्विच टू द रेगुलर मोबाइल साइट। मैंने यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट ओपन की है, अब यहाँ पे मैं डाउन एरो से मूव करता हूँ। बैनर लैंडमार्क लिंक सर्च फेसबुक एडिट बटन सर्च
Navigation landmark link home link current page profile link alt plus shift plus 4 messages visited link alt plus shift plus 3 notifications 1 link alt plus shift plus 6 chat 5 link alt plus shift plus 2 friends link pages link groups 25 अब ये मैंने सिर्फ डाउन एरो किया और ये एक पट्टी के अंदर जितने भी टैब्स थे जितने भी ऑप्शंस थी उसने उसको एक साथ ही अनाउंस कर दिया। इस तरह मसला ये होता है कि अगर हमने ये एक लाइन के अंदर होम प्रोफाइल मैसेजेस था, अब मैसेजेस पे अगर जाकर हमने उसको एक्टिव करना है तो हमें कंट्रोल दबा के राइट एरो से मैसेजेस पर आना पड़ेगा और फिर उस पर एंटर करना पड़ेगा। अब ये स्क्रीन लेआउट है बाय डिफॉल्ट ये चेकड है, इसको हम नॉट चेक करेंगे तो ये सब अलग अलग पड़ेगा डाउन एरो करने से। Use screen layout when supported. Checkbox check alt plus S. इसको मैं यहाँ पर नॉट चेक कर रहा हूँ। Space not checked. अब यहाँ से टैप करते हैं आगे। Automatic focus mode for focus changes checkbox checked. इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम वेब पेज ओपन करते हैं और उस पर कोई एडिट फील्ड है तो ये उस पर फोकस करके उस फील्ड को खुद ही ऑन कर देगा और एडिट मोड में ले जाएगा। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चेकड है, मैं इसको यहाँ पर नॉट चेक करूँगा क्योंकि ये बहुत मसला करती है वेब पेजेस के ऊपर। Space not checked. यहाँ से आगे टैप करते हैं। Automatic focus mode for carrot movement checkbox not checked. ये automatic focus mode for carrot movement. यानी जब भी हम down arrow से move करते हुए किसी भी edit field के ऊपर आएंगे तो खुद ब खुद उसको on कर देगा और उसको edit mode में ले जाएगा। ये by default not check है, मैं इसको not check ही रहने दूंगा। आगे टैप करते हैं। Audio indication of focus and browse modes checkbox checked. ये यहाँ पे ऑडियो इंडिकेशन यानी जब भी फोकस मोड ऑन होता है एक बीप करके साउंड बजता है, तो मैं यहाँ पर इनको ऑन ही रहने दूंगा। आगे टैप करते हैं। Trap all non-command gestures from reaching the document checkbox checked alt plus T. इससे आगे की ब्राउज मोड की ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ठीक हैं। अब यहाँ पर आगे टैप करके ओके करते हैं और मैं चेक करवाता हूँ कि हमारे एनवीडी के अंदर इस वक्त क्या चेंजेस आई हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी ऑप्शन को अप्लाई नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। कैंसिल बटन, ओके बटन, मैंने ओके कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पर फेसबुक ओपन करता हूँ ताकि हम चेक कर सकें कि क्या क्या चेंजेस आए एनवीडी के अंदर इन सेटिंग्स को करने के बाद। F, Firefox 4, unknown. Mozilla Firefox busy navigation toolbar m dot f a c e b o o k dot c o m collapsed selection removed new. Facebook busy link switch to the regular mobile site. मैंने यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लिया और अब यहाँ पर डाउन एरो से चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आए एनवीडी के अंदर। Link graphic Facebook logo search Facebook edit button search link home link current page profile link messages visited link notifications. अब आपने यहाँ पर चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर डाउन एरो मैं कर रहा हूँ और ये एक एक करके सारी ऑप्शंस को पढ़ रहा है, ना कि एक ही लाइन में सारी ऑप्शंस को पढ़ रहा है एक साथ। और दूसरी चीज आपने गौर की होगी कि पहले ये यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी बोल रहा था साथ। Link messages, visited link notifications. अब वो भी ऑफ हो गई है। यहाँ पर हमारा ये आज का लेसन कंप्लीट हो गया। इससे आगे के लेक्चर्स में हम NVDA की एडिशनल सेटिंग्स, फंक्शंस और यूजफुल एडऑन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।